नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ अपराजिता। रेका प्रखंड अंतर्गत इजरा पंचायत के इजरा गांव में जन समस्या कैंप लगाई गई है, जिसमें संबंधित पदाधिकारी के साथ साथ यहां के जन प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हम अभी इजरा पंचायत में मौजूद हैं। देखिए, जब हमारे हिंदुस्तानी मीडिया के चीफ ने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने अपनी किन किन समस्याओं को बताया। हम सबसे पहले बात करते हैं रहिका के प्रखंड विकास पदाधिकारी ऐसे के, आज के इस कैंप का असल उद्देश्य क्या है? सर, हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। थैंक यू सर। आप ये बताएं कि आज जो प्रोग्राम कैंप रखा गया है, इसका असल उद्देश्य क्या है? अभी जो प्रोग्राम आज यहाँ कैंप मोड में संचालित किया गया है, इसमें सारे डिपार्टमेंट के, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, आपूर्ति के, विकास के अंचल अधिकारी हैं, हमारे बीपीआरओ हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी योजनाएं संचालित हो रही है वो सही ढंग से संचालित हो। अगर नहीं हो पाए तो उसको हम लोग फील्ड विजिट करके उसको कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, अगर लोग आते हैं तो उनको योजनाओं का ऑन स्पॉट यहाँ पे निष्पादन भी किया जाएगा। तो जनता की बेहतरी के लिए और जो योजनाएं हैं उनकी सूक्ष्म जाँच के लिए ये कैंप आयोजन किया गया है। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अगर ऐसी भी समस्याएं आएंगी आपके सामने में, जो समस्याएं अब तक हल नहीं हो सकी है, क्या ऑन स्पॉट भी समाधान है इसके हल होने का? बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे जमीन से जुड़े मामले हैं या जो तुरंत निष्पादन नहीं हो पाता है, उसके लिए अलग से टीम गठित करके हम लोग उसको करेंगे। लेकिन जो समस्याएं आज निष्पादन वाली, हम लोग कोशिश करेंगे 100% कानून निष्पादन कर डालें, जिससे जनता को लाभ मिले और हमारी जो विकास की योजनाएं हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सर, ये आखिरी सवाल है कि आप लोग तो लगातार कैंप करते जा रहे हैं, हर बुधवार को शायद कैंप होता है, आपने कई पंचायत में पहले भी कैंप लगाया होगा, ऐसा भी मामला हो सकता है या पेश आया होगा कि जो पहले जो मुखिया रहे होंगे या पंचायत रही होगी, बहुत सारी नल जल योजनाएं हैं या बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं हो पाया होगा, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पहले जो योजनाएं थी वही उसी के लिए तो कैंप किया जा रहा है। पहले जो योजनाएं अगर उसमें कुछ कमी है तो अभी जो भी मुखिया है या पंचायत सचिव है उनको अलग से जो योजनाएं नॉन फंक्शनल उनको फंक्शनल करने का प्रयास किया जा रहा है। योजनाएं पूरी नहीं हुई उसके लिए किसी तरह की अनियमितता हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग प्रतिनिधित्व करेंगे वरीय पदाधिकारी को, जैसा कि वहां से कहा गया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे ही जानूंगा उनका परिचय और जानते हैं कि उनके यहाँ मौजूद होने का क्या मकसद है। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। मैम, अपना आप नाम बता देते हैं। मेरा नाम दीपिका झा है और मैं बीपीआरओ रहिका हूँ। मैम, आप ये बताएं कि आप जो इस कैंप में मौजूद हैं, असल देख रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? ये कैंप रखने का उद्देश्य यही है कि सारे विभाग के लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हों, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो बहुत जनता ब्लॉक नहीं पहुँच पाती है, उनका प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते हैं, तो वो एक यहाँ बैठ के जो प्रॉब्लम हो उसका एक साथ निपटारा कर दिया जाए, यही मकसद है मेन कैंप का। तो यहाँ पे आपको सारे विभाग के लोग जो है आपको एक साथ इकट्ठा होकर मिलेंगे। आप जैसे आप क्या क्या देखिए आपके डिपार्टमेंट? हाँ जी, मैं पंचायती राज विभाग से हूँ, तो पंचायती राज के अंडर जितने भी काम आते हैं वो उसकी जवाबदेही मेरी है। तो अभी जो मैं इस कैंप में आई हूँ, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो है कैंप में जाकर सब जगह भ्रमण किया जाता है कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उसके बाद 11 बजे से लेकर के आप 5 बजे तक शाम तक आपको बैठ के जो नॉर्मल आपके गांव के ग्रामीण आते हैं उनसे उनका परेशानी देखकर, मान ले कि जनरली मेरे विभाग में नल जल से जुड़ी समस्या है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंजीनियर अकाउंटेंट लेकर हम यहाँ बैठते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देन एंड देयर उसका निपटारा कर दिया जाए। मैम, एक सवाल, बहुत वाइटल सवाल आपसे है, जब नल जल आपने बोल दिया तो आप तो बराबर जा रही है, कैंप कर रही है, समाधान भी हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जिले की बात करेगा तो सबसे ज्यादा 70% जो समस्याएं हैं वो नल जल की है, इसके लिए क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? यही कार्रवाई है, आपको मैं बता दूं, इसलिए ये एक पॉजिटिव नोट पे लिया जाए कि हमने कैंप का बिगिनिंग करा है और ये जो है इसलिए क्योंकि और बाकी जगह जहां कैंप्स लगे हैं वहां पे आप अगर फीडबैक लें तो वहां से यही शुरुआत हुई, जैसे जैसे हमें कंप्लेंट्स आते जा रहे वैसे वैसे देन एंड देयर विद इन अ वीक हम लोग उस सब पे कार्रवाई करा रहे हैं। अभी नल जल से रिलेटेड मैक्सिमम जो समस्या है ना वो मरम्मती से रिलेटेड है, तो उसी के लिए समझिए कि ये एक पॉजिटिव नोट पे बिगिन किया गया है, ये कैंप को आप पॉजिटिवली देखें कि यहाँ से नई शुरुआत और बेहतरी के लिए हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल ये सारी चीजें अच्छे के लिए जाएगा और जो समस्या है वो धीरे धीरे, इनफैक्ट मेरे विभाग या सारे विभाग का, वो धीरे धीरे जो है वो कम होगा और हम लोग बेहतर करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सुंदर महतो। तो महतो जी, अभी आप पंचायत भवन में कहे के लिए आया, कैंप लगा हुआ है? कैंप लगा हुआ मालूम हुआ है तो आए हुए हैं देखने के लिए। यहाँ समस्याओं समस्या को रखना, आप कौन समस्या रखे हैं? हम लोग का समस्या जो है अभी के रीजन में सब हल हो चुका है।
पहले बहुत बाकी था, हमारा कोई समस्या नहीं है, हम ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। आप बताया कि आपके जो पंचायत अगली पंचायत है ये इजरा पंचायत, क्या क्या समस्या है? समस्या है नाला का, यहाँ नाला का ज्यादा है, रोड का है, नल का है, पानी का हमेशा रोड पर पानी लगा हमेशा। आप अपने सवाल को रखा है जो अफसर लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब हम अफसर को बोले हैं, बाकी जो चीज है अफसर समझे या ना समझे, जवान से मतलब बोले हैं, लिखत में नहीं दिए हैं। तो अफसर को आप लिखा मौखिक भी कहिएगा तो वो मुआयना करेगा, जहाँ लग रहा होगा उसका काम ही समाधान करना है। इस कैंप का नाम ही है कि इस कैंप का रखने का मकसद ही यही है कि जो जो समाधान है जो परेशानी समाधान। नहीं तो सर ये चीज के लिए हम लोग 20 साल से परेशान है, रोड के लिए भी परेशान है 20 साल। हमारे जो है 20 साल में कभी कैंप भी लगा था? एक तो देखे नहीं आया हम लोग, हमको पहली मतलब लगा। अच्छी बात है। हाँ तो ये चीज को हम लोग तो जब से देख रहे हैं, रोड की परेशानी है, पानी रोड पर हमेशा 20 साल पूरे गांव में। अफसर चल के आया है, आप अफसर से मिलकर सारी बात रखिए ना, ये चीज को अफसर साहब को उनको भी समझ जाए, चल के मतलब देख लें। जो मेरे समझाइए मोहम्मद इनायतुल्ला। इनायतुल्ला आपका घर कहाँ है? इजरा। इजरा में क्या क्या समस्या है? सबसे पहले तो यहाँ थोड़ी सी बारिश आती है, रोड की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, गली गली में पानी जमा होता है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है, स्कूल के लिए बच्चे को निकलने में परेशानी होती है। तो अभी जो आज जो कैंप लगा है, इस कैंप में अफसर लोग आए हुए हैं, इनको कहाँ आपने? जी अभी तो हम लोग जो से भीड़ है, थोड़ा सा ये सर से बात नहीं हुई है, पहली मरतबा है, सर से तो बात करेंगे। हाँ, वो बात करके आप अपनी समस्याओं को रखें, वो जाकर मुआयना करेंगे और आपकी मांग जायज है तो वो जरूर पूरा करेंगे। जी सर, हम तो हमेशा से तरफ रहे रास्ते के लिए, स्पोर्ट पे जाए सर, स्पोर्ट देखे हम लोग का कि कैसा, थोड़ा सा पानी होता है, इतना इतना पानी लग जाता है और दिक्कत होती है हम लोग को चलने में। रामदेव महतो बोलिए, इस रोड का 2000 रुपया उठा के सब खा गया। कौन खाए? अभी अमूल भंडारी। कौन अमूल भंडारी? अभी मुखिया सांसद गाड़ा का, पहले जो मुखिया था। हाँ हाँ ठीक है। तो वो 100 रुपया को उठा के खा गया, कुछ कर नहीं पाया है। अब हम लोग को इतना दिक्कत होता है, जाने वाने के लिए माल जाल सब कुछ बड़ी दिक्कत है, ये इतना परेशानी कभी नहीं हुआ था, ये इतना परेशानी में है। मतलब पहले का मुखिया जो है काम नहीं करवाया आपने? कुछ नहीं किया। अभी आप इसका शिकायत किए हैं? नहीं कुछ नहीं किया। शिकायत की जाएगा वहाँ, शिकायत कीजिए, काम होगा आपका। नाम बता दीजिए आपका। कहिया इतना के एक चोर की दुनिया ना है, व्यक्ति दस जो गवर में बटवा सकते हैं। आप जाकर देख लीजिए सर, आप जाकर करके वहाँ जो अफसर डीपीआर हो मैडम, अरे मैडम आए उसको बोलिए कि वहाँ नाला नहीं है तो नाला वो बनवावेंगे। देखो ऐसी गरीब नहीं फकीर नहीं का इंदिरा बात का हमारे पैसा न दिए। अभी जाइए ना, जाकर के बोलिए ना, ना कोई बतावे कोई को बोलिए ना। अभी आप देख रहे थे हिंदुस्तानी मीडिया, ऐसी ही नई अपडेट्स और नई खबरें हमारे माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहें आप हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बच सके और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।